हिमाचल प्रदेश के कई विभागों में कर्मचारियों की कमी लोगों पर भारी पड़ रही है। विद्युत विभाग के नदौन सब डिवीजन में फील्ड कर्मचारियों की चल रही भारी कमी को शीघ्र दूर करने के लिए स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई और मांग की है कि कर्मचारियों की चल रही भारी कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। आपको बता दूं कि कर्मचारियों की भारी कमी का खामियाजा विद्युत उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गर्मियों की शिफ्ट में रात 10 बजे तक ही होती है। ऐसे में नदौन क्षेत्र में यदि रात के समय कहीं फ्यूज भी उठ जाए तो उसे सुबह तक ही ठीक किया जाता है, क्योंकि दिन भर में ड्यूटी करने के बाद रात के समय फील्ड कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यदि विद्युत सब डिवीजन में केवल नदौन सेक्शन की ही बात की जाए तो यहाँ लाइनमैन और टीमैट के 17 पद स्वीकृत है, परंतु वर्तमान समय में केवल 5 कर्मचारियों के सहारे ही व्यवस्था चल रही है, क्योंकि 12 पद रिक्त चल रहे हैं। नदौन सेक्शन में नदौन शहर, बेला, टिल्लू, नगारड़ा, अंतरकोट आदि गांव के करीब 6000 विद्युत उपभोक्ता और इस क्षेत्र में 43 ट्रांसफार्म है। 6000 उपभोक्ता तथा 43 ट्रांसफार्म का कार्य मात्र 5 कर्मचारी के कंधे पर है, जबकि अधिकारियों के सभी पद भरे हुए हैं। लोगों की मांग है कि जनहित में फील्ड कर्मचारियों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि इस उमस से भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में विभाग के SDO अक्षय कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने का विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है।